हेलो दोस्तों, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे हमारे पास 150 cc पल्सर आई है और यहाँ पे इसकी ये गाड़ी के अंदर करंट नहीं आता, तो फिलहाल मैं आपको इसका मतलब चाबी लगा के चेक कर लूँगा। तो फिलहाल गाड़ी की बैटरी भी थोड़ी सी डेड है, तो सबसे पहले हम इसका करंट चेक करेंगे। तो मैं आपको करंट शो कर दूँगा कि सबसे पहले करंट ना आए तो दोस्तों क्या क्या चीज़ चेक करनी है हमें। और मैं आप यहाँ पे आपको लाइव मतलब पूरा सिस्टम चेक करके बताऊंगा कि करंट ना आए तो सबसे पहले पीछे से या आप आगे से, मतलब अगर मेन कॉइल से चेक करना चाहो तो मेन कॉइल से प्लग वाली इग्निशन जो कॉइल रहती है वो, और उसके अलावा दोस्तों आप मैग्नेट कॉइल से, तो दोनों तरफ से चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कभी भी कोई भी गाड़ी में मेरे पास आए तो सबसे पहले मैं इसकी मेन कॉइल से करंट चेक करता हूँ, क्योंकि मेन कॉइल से करंट चेक करते और उसके बाद चेक करते करते हम पीछे जाते हैं और लास्ट में ये हमारी मैग्नेट करंट मैग्नेट डिश रहती है जो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करंट चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। ओके गाइस, तो इसकी जो टैंक रहती है वो टैंक हमने निकाल दी है ताकि मैं आपको अच्छे से शो कर सकूँ कि करंट आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसकी चाबी ऑन करेंगे और ये चाबी ऑन हो चुकी है और अभी दोस्तों बैटरी में पावर नहीं है तो हम इसकी किक लगाएंगे। तो मैं आपको किक लगा के दिखा देता हूँ। एक बार मैं दोस्तों जो फ्लैश रहता है वो बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक गाइस, अभी लगाओ किक। ठीक है गाइस, तो अभी करंट नहीं आता। तो करंट क्यों नहीं आता, तो सबसे पहले जो हमारी मेन कॉइल रहती है यहाँ पे दो मेन कॉइल दी गई होती है, एक ये वाली एंड एक ये वाली। ठीक है, तो दोनों कॉइलों में हम एक एक करके चेक करेंगे। और जो दोस्तों CDI से जो पावर आता है मतलब जो पावर की कॉइल रहती है वो तो सबसे पहले मेन प्लग ये रहता है, बाद में दूसरा वाला रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर करंट आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आता तो दूसरी तरफ भी नहीं आता होगा। मैं आपको दूसरी तरफ वाला प्लग खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस, दूसरी तरफ वाला मैंने प्लग कैप निकाल दी है, अभी मैं फिर से एक बार किक लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, मतलब बिल्कुल ही करंट नहीं आता। ठीक है, मैं हाथ पे रख के आपको दिखा देता हूँ। और चाबी जो है दोस्तों हमारी ऑन है अभी। ठीक है, लगाओ भाई की। तो दोस्तों बिल्कुल ही करंट नहीं आता, तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, तो मेन कॉइल दोस्तों जो हमारी मेन कॉइल रहती है हमारी मेन प्लग वाली जो कॉइल है इसका ये मेन पावर है जो दोस्तों वो CDI से आता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें करंट मिलता है या नहीं मिलता वो चेक करना है, तो हम सीधा यहाँ पे बॉडी पे टच करेंगे इसको और किक लगाएंगे। अगर जो करंट आता होगा तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से स्पार्किंग होगा, मतलब यहाँ पे भी दोस्तों करंट नहीं आता। अभी दोस्तों यहाँ पर जो मेन कॉइल का मतलब जो हमारी इग्निशन कॉइल या मेन कॉइल बोलते हैं हम जिसको, यहाँ पे अगर करंट ना आए तो फिर बाद में क्या चेक करना है, तो वो सीधा हम इसका इंटर रिले कॉइल होता है जो वहाँ पे जाएंगे। तो जो दोस्तों इंटर रिले कॉइल होता है ये रहा हमारा इंटर रिले कॉइल। ठीक है, तो अभी हम इंटर रिले कॉइल को डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपकी गाड़ी में अचानक से करंट बंद हो जाता है, तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आपको ये इंटर रिले चेक करना, क्योंकि ये बाहर की तरफ दिया गया होता है। अगर आप इंटर रिले को डायरेक्ट करोगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इंटर रिले में ख़राबी है या नहीं है। तो मैं इंटर रिले कैसे डायरेक्ट करना है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहले हम ये 8 नंबर का जो नट दिया गया है दोस्तों वो निकालेंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कौन से वायर दो डायरेक्ट करने वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए आसानी से। गाइस, तो ये इंटर रिले बाहर निकल चुका है और बाहर निकालने के बाद इसको डायरेक्ट करने के लिए आपको एक वायर चाहिए अच्छा सा, और यहाँ पे ये 4 पिन वाला जो दोस्तों इंटर रिले रहता है इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वायर दिए गए हैं। ठीक है, पहला और ये दूसरा, ध्यान से दोस्तों देख लीजिए, ये वाला नहीं ये वाला। ठीक है, तो एक रेड है एंड एक ग्रीन में वाइट लाइनिंग है। ठीक है,
ग्रीन में वाइट लाइन एंड एक रेड, रेड में ब्लू लाइनिंग है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये दोनों वायर को आपस में टच करना है। अगर आपकी इंटर रिले ख़राब होगी तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। होता है दोस्तों कई बार मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आए जिनका इंटर रिले मतलब चालू गाड़ी होती है और अचानक से बंद हो जाती है तो रास्ते में बिगड़ जाती है, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आपके पास ये नॉलेज रहेगा तो आप कभी रास्ते में, आपके पास पल्सर गाड़ी होगी तो रास्ते में नहीं रहोगे। तो हमें ये दोनों वायर डायरेक्ट करने हैं। अभी मैं दोस्तों आपको चेक करवा लेता हूँ एक बार। तो गाइज़ ये जो हमारी मेन कॉइल का वायर था जो डायरेक्ट सीडीआई से आता है, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे और यहाँ पे टच करेंगे इसके अंदर। और अभी मैं आपको किक लगा के चेक करवाता हूँ अगर करंट आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो क्या चेक करना है वो आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे चेक करेंगे। हे गाइस, करंट बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। मैं एक बार फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ। हे गाइस, देखो दोस्तों कितना पावरफुल करंट आ रहा है। तो मतलब जो प्रॉब्लम था हमें आसानी से मिल गया है। इंटर रिले के अंदर प्रॉब्लम था जो हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है गाइस, जो हमारी इंटर रिले रहती है यहाँ पे एक रेड में ब्लू एंड एक ग्रीन में वाइट तार, ये तार के अंदर मतलब यहाँ पे जो हमारा इंटर रिले रहता है वो इंटर रिले ख़राब हो चुका था। ठीक है, ये वाला दोस्तों, अगर ये इंटर रिले ख़राब हो जाए तो भी आपकी गाड़ी में करंट चला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अभी तो हम मतलब हमारे वर्कशॉप पे है तो हमारे पास पड़ा है, लेकिन अगर रास्ते में ऐसा हो तो आपको ये दो वायर डायरेक्ट करने हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो फटाफट से हम इसका नया रिले लगा देते हैं इंटर रिले, और फिर मैं आपको शो करता हूँ करंट आता है या नहीं आता। तो गाइस, तो ये पुराना वाला है और ये मेरे पास वेरॉक कंपनी का पड़ा है नया वाला। ठीक है, तो हम इसको वायर को निकाल देंगे, वायर को निकाल देंगे और अभी मैं इसको वापस से लगा देता हूँ। ये भी दोस्तों चार पिन वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों वापस से यहाँ पे चेक करेंगे हम। लगाओ भाई। देखा दोस्तों आपने, करंट बिल्कुल आ रहा है अच्छे से। एक बार दोस्तों फ्लैश बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मतलब जो प्रॉब्लम था ये यहाँ पे ही था इंटर रिले के अंदर। तो फाइनल गाइस, यहाँ पे इंटर रिले हमारा लग गया है। अभी मैं इंटर रिले को वापस से यहाँ पे फिट कर दूंगा और उसके बाद आपको जो हमारी मेन कॉइल का जो तार है इग्निशन कॉइल का, उसको यहाँ पे जो जंग आ गया है उसको साफ करके रेंगमाल पेपर से लगा के इसको वापस से फिट कर दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे करंट दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने मेन कॉइल का जो वायर रहता है वो लगा दिया है यहाँ पे अच्छे से साफ करके। और यहाँ पे अभी करंट चेक करेंगे। सबसे पहले चाबी ऑन कर देता हूँ मैं, एक बार चाबी ऑन करके यहाँ पे करंट चेक करेंगे। ओके गाइस, तो आपको दिख रहा होगा करंट, मैं एक बार फ्लैश बंद कर देता हूँ। गाइस, तो आपको दिख रहा होगा करंट अच्छे से। ठीक है गाइस, तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैंने ऊपर की जो लाइट रहती है वो बंद कर दी एलईडी, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स करंट आने लगा है, मतलब जो प्रॉब्लम था हमारा यहाँ पे था। और इसके बाद का जो दोस्तों वायरिंग होता है, मैं अगर फिर से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा जिसके अंदर मैग्नेटिस या सीडीआई से पावर का प्रॉब्लम होगा, करंट नहीं आता होगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए अगर आपको दूसरा कोई वीडियो चाहिए जिसकी पूरी डिटेल्स में वायरिंग कैसे चेक करते उसके बारे में वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक नहीं मिल सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।